लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। कहानी से पहले दो शब्द जरूर कहूंगा जो मेरी आदत है। आवाज ऊंची हो तो कोई नहीं सुनता, आवाज ऊंची हो तो कोई नहीं सुनता, आवाज अच्छी हो तो हर कोई सुनता है। तो आवाज ऊंची करने से अच्छा है कि आवाज अच्छी करें, सौम्य रखें, तो हर कोई सुनता है। तो आज की कहानी छोटी सी है, फिर कुछ मिनटों की कहानी है, लेकिन शायद आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लेके आएगी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो अपना काम अपने होटलों में किया करता था, और जो भी जितना मेहनत वो करता उसको उतना पैसा मिलता, और शायद उससे थोड़ा कम ही मिलता क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से परेशान चल रहा था। जितना कमाता थोड़ा अपने खान पान पर, थोड़े अपने घर पे भेज देता, लेकिन अपने पास बचाने के लिए उसके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि जिससे वो अपनी सेविंग कर सके, अपने बचा सके। तो ऐसे ही परेशान चल रहा था, तो उसको दिमाग में आया कि कोई ऐसा उपाय मिले जिससे कि मेरी चीज़ें सही हो सकें, सफल हो सकें। तो उसने एक निर्णय किया कि यार मुझे इन चीज़ों से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जब उसने ये निर्णय लिया तो उसको बहुत से उसने जगह जगह पूछा, जगह जगह ढूंढा, तो उसको एक उपाय मिला कि यार इन सब से निकलने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए तुम्हें ना फलाने जगह पर एक बाबा है उसके दरबार में जाना पड़ेगा, और उनको ये सब परेशानियां बतानी पड़ेगी और तभी ये परेशानियां ख़त्म होंगी। तो वो अपना एक दिमाग में अपना एक निश्चय कर लेता है, एक निर्णय ले लेता है कि यार अब उसको जाना होगा इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, उसको ये सब चीज़ें से पार पाने के लिए उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो डिसाइड कर लेता है अपने दूसरे दिन की यात्रा में चालू, सब चीज़ सामान वामान पैक करता है और दूसरे दिन की यात्रा के लिए चालू हो जाता है कि उस सुबह सुबह उठता है और दूसरे दिन जाने के लिए चलता है। और चलते चलते काफ़ी समय चलते 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 उसको रात हो जाती है और जंगलों में काफ़ी घिरा हुआ समय हो जाता है, अंधेरे में समय था, जंगलों के बीच में वो चल रहा था। तो उसको एक मालिक का, एक जंगलों के बीच में एक मालिक का एक घर मिलता है। उस मालिक के पास वो जाता है, खटखटाता है, कहता है कि मुझे अभी फलाने जगह पे जाना है, बाबा के पास जाना है, तो भैया मुझे अपनी सराय में थोड़ी देर रहने के लिए, आज की रात काटने के लिए मुझे एक कमरा दे दिए। तो वो कहता अच्छा उस बाबा के पास जाना है, तो बाबा तो बहुत अच्छा है, उसका दरबार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो कभी जा नहीं पाया। बेटा तू वहाँ जाएगा तो मुझे एक सवाल मेरा भी है, अगर तू उसका उत्तर पूछ लाएगा तो मैं तुझे सराय में रहने के लिए जगह दे देगा, अपना एक कमरा दे देगा जहाँ तू रहे आज के रात काट। तो कहता है सच्ची बात यह हो सकती है, मैं आपका पक्का सा ये सवाल पूछूंगा, जो आप कहेंगे मुझसे वो सवाल क्या उत्तर ढूंढ के लाऊंगा। तो ठीक है, वो रात को बैठे होते हैं टेबल पे, तो वो कहता है कि अपनी कहानी बताता है कि यार वो जो मकान का मालिक होता है वो अपनी कहानी बताता है कि यार देखो मेरी तो एक गूंगी लड़की है, ये लड़की 20 साल की हो गई है और अभी तक बोली नहीं है। उस बाबा जी के पास जाओगे, उस दरबार में जाओगे तो मेरा ये सवाल पूछ लाना कि मेरी लड़की कब बोलेगी, और ये बताने में वो काफ़ी, उसका हृदय काफ़ी द्रवित हो जाता है, उसका हृदय से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और ये सब सुनकर वो लड़के के भी भाव बदलने लगते हैं, उस लड़के के भी जीवन में वो सोचता है कि यार इसको ये सब सवाल का उत्तर मिलना चाहिए। तो वो ये कहता है कि बाबा मैं वहाँ पहुँचूँगा तो पक्का आपके इस सवाल का उत्तर ढूंढ के लाऊँगा, आप चिंता मत करिए मैं वापस जरूर आऊँगा और आपके इस सवाल का उत्तर ढूंढ के पूछ के लाऊँगा। जाता है और फिर दूसरे दिन सुबह उठता है, वहाँ से भी जाता है, वहाँ से जाता है तो उसको बहुत से पहाड़ मिलते हैं, बहुत से चल चल के थक रहा होता है। तो उसको फिर वहाँ पर एक जादूगर मिलता है, वो जादूगर कहता है तुम यहाँ क्या आ रहे हो, वो कहता है कि यार मैं तो पाने बाबा के पास जा रहा हूँ और उस बाबा से मिलने जा रहा हूँ ताकि मेरे जो सवाल हैं उनके उत्तर मिल सके। तो कहता है मैं तुम्हें ये पहाड़ ऐसे पार करा दूँगा क्योंकि कई सालों से मैं भी इन पहाड़ों पर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, ताकि मैं उस परमेश्वर के स्वर्ग में विराज अपनी जगह ले सकूँ, विराजमान हो जाऊँ। मेरा भी एक सवाल है, मैं तुम्हें पहाड़ यूँ ही पार करा दूँगा। तो क्या सवाल है बाबा जी आपका, जादूगर साहब आपका?
जादूगर कहता है कि मेरा सवाल यह है कि उस बाबा से पूछ लीजिएगा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। तो कहता है जरूर पूछूंगा आपका, आपका भी सवाल जरूर उत्तर जरूर पूछ के लाऊंगा, आप मुझे पहाड़ पार करा दीजिए। वो उसको मिनट में छड़ी घुमाता है और पहाड़ पार करवा देता है। अब पहाड़ पार करता है तो रेतीला फील्ड आता है, उसके बाद समुंदर, रेतीला फील्ड पार करता है तो समुंदर आता है। अब वो इतना बड़ा समुंदर होता है, वो उसको कैसे पार कर। अब उस समुंदर को पार करने के लिए काफ़ी ढूंढता है, इधर उधर किनारे किनारे ढूंढता है, क्योंकि वो कहते हैं ना अभी समुंदर को कैसे पार करें। तो समुंदर को पार करने के लिए जब वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है तो उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखता है। उस कछुए के पास कहता है कि यार, कछुए से कहता है कि मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाऊँ। कहता है कहाँ जाना है तुमको। कहता है उस किनारे जाना है मुझको, वहाँ बाबा का दरबार है, उस दरबार में जाके मुझे अपने सवालों के उत्तर पूछने हैं और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो कछुआ कहता है अच्छा, कहता मैं पीठ में तो बैठाऊँगा तुम्हें, किनारे भी बैठाऊँगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। वो कहता क्या सवाल है भाई। वो कहता है ठीक है बैठो पीठ पे, मैं तुम्हें किनारे पहुँचाता हूँ। किनारे पहुँचाता है और फिर एक सवाल बताता है अपना कि यार मैं इतने समुंदर में, इस बड़े समुंदर में रोज यहाँ बैठता हूँ और इस आश्रम में यहाँ पर बैठा हूँ, इस आश्रम में समुंदर में बैठा हूँ, कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा, कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आप सारे सवालों को जब वो सुन लेता है, कहता है कि आपका भी सवाल पूछना है। तो कहता हाँ मेरा भी सवाल पूछकर पूछ के लाना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो कहता ठीक है मैं आप तीनों के सवालों का उत्तर पूछूंगा। अपने मन में सोच के वो उस दरबार में चले जाता है। दरबार में आज सबको सोने के लिए कहा जाता है कि आज सब सो जाइए, कल बाबा जी आएंगे, वो सब अगले सवालों के उत्तर देंगे। बाबा जी दूसरे दिन उठता है, लड़का भी बड़ा तैयार होता है, खुश होता है कि मैं इतने समय बाद इतने कष्टों से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और अब मेरे सारे सवालों का उत्तर बाबा जी दे ही देंगे। सुबह जब सवा लगती है तो सारे लोग जमा होते हैं, तो बाबा जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के मैं सिर्फ तीन सवाल का उत्तर दूंगा, तीसरे चौथा सवाल का उत्तर नहीं दूंगा। अब लड़का बड़ा कन्फ्यूज होता है कि वो तो अपने लिए पूछना चाह रहा होता है कि उसकी दरिद्रता, उसका ये स्वभाव, उसकी वो अर्निंग कैसे कम होगी, और उसके पास तीन सवाल और होते हैं, एक उस व्यापारी का, उस मकान मालिक का जिसकी लड़की काफ़ी समय से गूंगी है, उसका सवाल पूछना भी उसको बहुत ज़रूरी लगता है। लेकिन उसको अब पूछने तो तीन थे, और दूसरा सवाल था जादूगर का जो इतने समय से इंतज़ार कर रहा है कि उसको स्वर्ग कब मिलेगा, और तीसरा सवाल था उसका कछुए का जो इंतज़ार कर रहा है कि उसको वो ड्रैगन कब बनेगा। तो भैया अब तीनों के सवाल पूछने उसको ज़रूरी लगे बनिस्बत अपना, तो वो अपने सवाल का त्याग कर देता है, वो अपने सवाल को छोड़ देता है। अब जब वो तीनों को उत्तर पूछने के लिए बाबा से कहता है कि बाबा जी ऐसा सवाल था, एक व्यापारी मिला था, उसकी लड़की इतने सालों से गूंगी है, 20 साल की लड़की हो चुकी है, अब वो ये पूछते हैं कि मेरी लड़की बोलने कब लगेगी। तो बाबा झट से जवाब देते हैं, कहते कि उस लड़की की जब शादी हो जाएगी तो वो लड़की बोलने लगेगी। तो उसको पहला सवाल समझ में आ जाता है, उसका उत्तर मिल जाता है। दूसरा कहता कि बाबा जी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक जादूगर भी मिला जो काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से इंतज़ार कर रहा है कि उसको स्वर्ग कब मिलेगा। तो बाबा जी फिर बोलते हैं उस जादूगर से कहना कि अपनी छड़ी का त्याग कर दे तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। आप तीसरे सवाल में फिर कन्फ्यूज होता है कि अपने लिए पूछूँ या कछुए के लिए पूछूँ। फिर वो अपने सवाल का त्याग करता है और फिर कछुए का सवाल ही उसको इम्पोर्टेंट लगता है, और वो कछुए का सवाल पूछता है कि बाबा जी वो कछुआ भी मिला था, वो ही कछुआ पूछ रहा था कि मुझे ड्रैगन कब बनूंगा, मैं ड्रैगन कब बनूंगा, इतने सालों से इस समुंदर में ही हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, उस कछुए से कहना कि अपने कवच का त्याग कर दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। अब तीन सवाल खत्म, लड़का वापस आता है। लड़का जब वापस आता है तो कछुए से मिलता है, कछुए से कहता है कि बाबा जी ने ऐसा बोला है कि अपने तू कवच का त्याग कर दे तू ड्रैगन बन जाएगा। कहता है कि अच्छा ऐसा है, लो मैं भी कवच का त्याग कर देता हूँ। कवच त्याग करता है, उसमें खूब सारे मोती मिलते हैं। कहता मैं कछुआ कहता है कि मैं तो ये
इसमें से तो मोती निकले, मुझे मोती तोड़ना चाहिए थे, मुझे तो ड्रैगन बनना है, तो ये मोती का मैं क्या करूँगा, ये मोती तुम ले लो। वो लड़का मोती ले लेता है, जैसे लड़का मोती लेता है कछुआ ड्रैगन बन जाता है। ठीक है, अब वो समुंदर से निकल के फिर उन पहाड़ियों पर चले जाता है वापस। उन पहाड़ियों पर पहुँचता तो वहाँ उसको जादूगर मिलता है। जादूगर कहता तूने मेरा सवाल नहीं पूछा। उसने कहा हाँ पूछा भाई, मैंने तेरा भी पूछा। मैंने कहा क्या पूछा? उसने कहा कि बाबा जी बोले जब तुम अपनी जादू वाली जो छड़ी है उसका जमीन में फेंक दोगे, उसका त्याग कर दोगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तो जादूगर कहता हाँ ये ऐसा कहा हमने, वो कहता ऐसा ही कहा। तो वो अपनी छड़ी उस लड़के के सामने फेंक देता है जमीन पे, और वो उसको स्वर्ग मिल जाता है, वो स्वर्ग चले जाता है। अब लड़का वो छड़ी भी उठा लेता है और थर्ड टाइम जाता है उस व्यापारी के पास, उस मकान मालिक के पास जिसके यहाँ वो एक दिन रहा होता है। तो वो उससे कहता है कि तूने वापस आ गए? उसका कहता हाँ वापस आ गया, तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा। उसने कहा हाँ मैंने आपके भी सवाल का जवाब पूछा। उसने कहा मेरी लड़की कब बोलेगी? उसने कहा इसकी तो शादी करा दो, बाबा जी बोले इसकी जब शादी कराओगे तो आई लड़की बोलेगी। वो कहता है मन में सोचता और कहता है कि वाह इससे अच्छा क्या बात है, इतना ही करने में अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास तो आज लड़का भी है जिसकी सामने तुम बैठे हो, तुमसे अच्छा लड़का कौन मिलेगा, मैं तुम्हारे साथ इस लड़के की शादी करा देता हूँ। अपनी लड़की की जब वो शादी कराती है तो लड़की उसी दिन बोलती है कि तुम वही थे ना जो एक दिन मेरे घर पर आए थे और रुके थे। तो लड़की भी बोलने लग जाती है, तो तीनों कहानी के उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन अब इस सवालों में, इन तीनों सवालों में एक चीज, इस पूरी कहानी में एक चीज मैंने देखी कि जहाज हमेशा ना, एक जहाज जो इस किनारे में होता है उसको उस किनारे में, इस किनारे से उस किनारे में पहुंचने के लिए बहुत सी लहरों का सामना करना पड़ता है, अपने इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, तब वो उस किनारे में पहुंचता है। ऐसे ही हमारा स्वभाव होता है, जब हम, हमारा मानवीय स्वभाव है, जब हम अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं और दूसरे की इच्छाओं को सर्वोपरि मानते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं और दूसरों के लिए एक अच्छे अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निर्वाह करते हैं, तो हमारी इच्छाएं खुद सफल हो जाती हैं, हमारी इच्छाएं खुद पूर्ण हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहानी का मतलब हमें ये मिलता है कि जब उसने अपनी, लड़के ने अपनी इच्छा का त्याग किया, अपनी, अपने सवाल का त्याग किया, तो उसके पास पैसे के रूप में मोती भी था, ताकत के रूप में जादूगर की छड़ी भी थी और शादी उसकी हो चुकी थी, फैमिली भी सेटल थी। तो जब हम त्याग करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है। तो आने वाले समय में भी मैं ऐसी कहानियां लेते रहूँगा जिससे आपको प्रेरणा मिले, ज़िंदगी को जीने की तमन्ना में लगा के बढ़े और ज़िंदगी से निराश मत होइए। मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको हर सोमवार एक नई कहानी बताऊँगा।